हेलो जी, गुड इवनिंग भाई। और भी कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक हो। कोई बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में। और भाई, शाम का टाइम हो रहा है और मौसम देखो भाई, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। एक नंबर का सुहाना सुहाना देखो। टाइम भाई 4 बज रहे हैं दिन में। तो भाई बारिश ही हो गई थी भाई, मैम आप गई थी ना थेरेपी कराने, तब वहाँ बारिश हो रखी थी। और अभी घर आई तब ठीक है, अब तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी बाहर बैठी हूँ मैं अभी फ़िलहाल। आर्यन सो गया है, पंची को पढ़ाने के लिए इधर बैठ गई हूँ। चल तुझे थोड़ी देर होमवर्क करा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, जो भाई पंची के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए भाई मैं इसको तैयारी करा रही हूँ एग्ज़ाम की। और भैया अभी बताओ भाई, कैसा है आपका मौसम? बारिश हो रही है। और भी किस किस ने बाजरा काट लिया है, किसका नहीं कटा है, तो भाई कमेंट करके भी बताना जरूर। हवा चल रहा है बहुत बढ़िया, एक नंबर की हवा चल रहा है। आ लिया इसको ऊपर, पंछी उधर मेरी चुन्नी पड़ी हुई है कल की, उसको उठा रही है वो भी। मौसी की टीन है ना उधर, वहां पे गिर जाती है। कल की बारिश में भीग गई है, फिर पंछी उठा लाई थी इसने, ऊपर रख दिया। आ रही, फिर इसको नीचे डाल दिया। लियाओ लियाओ, नीचे वाले में रख देना, उठा लेना फिर छीट लगेगी। ये देखियो भाई, मेरी बेटी कहाँ बैठ के पढ़ा है। ये नीचे तो भागे, मैं वहाँ पढ़ा रही थी इसने बैठ कर। कहा मम्मा मैं यार डिस्टर्ब हो रही हूँ, अकेले में जाकर पढ़ूंगी भाई, इसे भी बच्चे मिल लेंगे कहीं। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मेरी बहुत सियाणी है, यहाँ सारी बात मान ले है। हम इसने यूं ही देखना है, चुपचाप पता नहीं पढ़ा है क्या कर रही है, लेकिन पढ़ रही है। जिसने पता है ना, खेल कर फिर होमवर्क करना है, होमवर्क करके फिर खेलना है, तो अपना होमवर्क कर रही है। अभी हवा चल है बहुत बढ़िया, एक नंबर की बस, बढ़िया मौसम हो रहा करती है। और मैं चप्पल भी नहीं पहन के नहीं भाग गई। क्या पढ़ रही है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है? साइंस। साइंस पढ़ा है अभी। पंछी समझदार बहुत है यार, सारी बात मान ली है, जो कर कहना उस तरह ही बोली है। पढ़ ले जल्दी, पढ़ ले। अभी इसका पेपर है तो भाई थोड़ी तैयारी करवाऊँ इसकी, यहाँ अभी पढ़ ले। तो मम्मा मैं अकेले बैठ के पढ़ूँगी, ज़्यादा दूर वर्त में भी जान नहीं दूँगी। हम रखूँ बड़का नहीं, मम्मा नहीं, वो तो जब छोटा है। और इसकी भी मैं पूरी निगरानी रखा, अपने साथ ही रखूँ भाई, अपने बच्चे ने दोनों आने। थोड़ी बहुत देर बाहर इसके दादी की लाए तो भी गड़े वगैरह में थोड़ी बहुत देर से, वैसे मैं खुद ही घुमा के लाती हूँ, पार्क वगैरह में जाती हूँ जब, क्योंकि आजकल वो है, आजकल भाई एक एक दो दो बाड़ा कौन है भाई, किससे का भाई कोई भरोसा नहीं है। आजकल भी टाइम बहुत है, बेकार चल रहा है, तो इसलिए अपने बालकान अपने नज़र के सामने रखे, अपनी पूरी निगरानी में रखे, वो भी ठीक है। ये भी दो चार बर्तन है, इन्हें धो दूँ हूँ। पंछी का टिफिन है, कुछ भी चाय पानी बनाई थी, बालकान दूध डाल दिया था, कुत्ता वो भूख रहा है भाई। इसमें टोकरा है भाई बर्तन धरने का, उसमें सुबह के बर्तन है वो भी टोकरे में लगाए नहीं है, तो भरा रखा है। फिर तब मैं दो दो मोदे मार दी हूँ, जिन्हों में बारिश बुरी आ जाएंगे ना, तो ये सही रहेंगे, खराब ना चाहेंगे। बारिश नहीं आ गई तो ये पड़े रहेंगे, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। और फिर धोएगा भी, इसलिए जो है उसमें दो लगते हैं कुत्ते का केक हो गया, मेरा केक हो रहा है इसका। और आज भी उस चाय दानी में ना देखो काली हो रही कुटी। या भाई मैंने आज पानी रखा है, और फिर भाई मैंने आज सुबह सुबह कनागत थे जो भी मेरे परदादा परदादी है उनका थे, तो भाई सुबह सुबह श्राद्ध काट रही, काट कुड़ के नहा धो कर अपने भाई पूजा पाठ करके, उसके बाद भाई मैंने वो पानी भरकर रख दिया, क्योंकि आर्यन ने भाई उबाल का बोतल भरकर रख दी हूँ उसमें, तो मैं वो पिया पिलाया करूँ।
तो उसने भूल गई रखे और फिर बेबी टोदी जाना था फिजियोथेरेपी के लिए, भूल गई तो फिर वो देर हो गया, इसमें बिल्कुल पानी नमक पानी क्या वाइट हो गया बिल्कुल, और पूरे किचन में खदक खदक वाइट वाइट से छिट्टे से लग गए सारे फर्श में गैस पे। फिर बाद में का आवाज़ आई, मैं पता नहीं क्या चल रहा है, क्या उछल उछल सी आवाज़ सी आती शुर शुर की, तब डाक के देखा मम्मी में थोड़ा सा पानी बच रहा था, वो भी शुक्र है चलो मैंने देख लिया, मैं इसको बंद करके निपटो दी, अगर निकल जाती तो ये पूरा आती इतना मतलब बुरा हाल हो जाता, तो भाई मेरे डाल तुम तो अपना देख लियो भाई सोच समझ कर, मैं तो इसी याद ही पागल हूँ यहीं से काम करूँ मैं, तो भैया पूरा जोर लगा कर मानसनी पड़ेगी जब ये मन जाएगी आज तो ये सिल्वर की है जाता है इसी होगी। बुलक्कड़ हूँ मैं, भूल जाऊं उधर क्या, पहले ही सना था आजकल तो पता नहीं ये मतलब बहुत ज्यादा हर चीज ने भूलन लगी रख के, ज्यादा कमजोर होगी बहुत ज्यादा। कचरी खा लो भाई, तो भाई कितने बढ़िया कचरी है, एक नंबर की है कत्ती है बहुत है, आहा खुशबू भी लगे हुआ सिंधी सिंधी हो रही है, और इसकी चटनी बताओ भाई किस किस ने बढ़िया लगा, मैंने तो बहुत टेस्टी लगा, लोग किस जी ना खाते वो कम कम खाना है। इसकी दादी लाई है भाई खेत में से, और भाई ये भाई देसी गुआर है इसकी भी भाई बिल्कुल देसी जो है, तो भाई मार्केट में आवे ना लंबा लंबा वो नहीं है भैया, बिल्कुल वो देसी आला है छोटा छोटा है बिल्कुल देसी वाला, और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बना है, खाली फली फली छोक है ना सूखी सूखी वो भी बहुत टेस्टी लगा है, और भाई वैसे छोका खावा आलू साग तो भी बहुत टेस्टी लगा है, पंछी की फेवरेट है फली वाली सब्जी, वो भाई कचरी बहुत टेस्टी है, जब हम छोटे थे ना जब खाते थे कचरी हम तो भाई छोटे छोटे थे ना जब, तो अब तो भाई वहाँ पे भी पहले तो भाई खेतों में से जाते थे भी पालेज वगैरह करते थे हमारे घर पे भी, अब तो वहाँ पे भी थोड़ा कमी करते हैं, जो करते हैं वो भी मतलब वहाँ से करवाते हैं, खुद नहीं करते हम, तो भाई पहले तो छोटे छोटे जब बहुत ज़्यादा खाते थे मतलब वैसे यूँ ही अपनी झोली होती है ना इनको भर भर के लगते थे, हम सारे बहन भाई और आपस में लड़ते थे भी, तो भाई किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, मतलब होड़ टू होड़ लगे रहते थे बाजरों के खेत में से कभी कहीं से, इस टाइम ही बाजरे खेत में होती है, और हम तो ये कचरे भी इसके ऐसे होते हैं ना बड़े वाले कचरे वो भी बहुत होते थे, तभी बहुत है टेस्टी है, तो भी आप बताना किस किस ने इसकी चटनी पसंद है, किस ने नुए खाना पसंद है, और भी ज़्यादा खाने से इसकी ये जहाँ से ना मुँह भी आ जाता अंदर से थोड़ा ऐसा हो जाता अजीब सा मुँह आ जाता है खाने से, तो भाई ये इसकी दादी लाई है तो मैंने इसको दो दाब के रख दिया है, अब इसकी दादी ने एक तरफ से तो ये ऐसे छील भी दी है दोनों तरफ से इसके नक्कू छाट दिए हैं, तो अब इनका मैं बनाऊँगी जब साफ करके रख लूँगी छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी इसके, और ये भाई कचरी जो होती है भाई सुखा के इनको मतलब इनको काट के और फिर सुखा के और जब डब्बे में भर ले फिर इसकी चटनी सूख के पीछे चटनी बहुत बढ़िया लगे इनकी। ये भाई हम आ गए हैं खेत में थोड़ी बहुत देर के लिए, इसकी दादी अभी यहाँ पे पूड़ी लगावे थी, तो भाई बाजरा बाजरा मैंने काट लिया काट लिया, आप देख सको भाई ये हमारी पूड़ी लग रही है ये वाली, तो ये जो झूले से बनाते हैं छोटे छोटे ही नए एक जगह इकट्ठे करे हैं सारिया ने, तो भाई कर दिया है, अरे घर जावेंगे शाम हो गई है, एक दो बच रहे हैं बस और सारी हो गई, तो यहाँ की यहाँ इकट्ठा कटवा कर फिर इसने लेते जाए घर ने, थ्री पे भागना है 1 2 क्या है थ्री कहाँ बोला अभी वो उस पेड़ तक जाना है 3 भागो भागो भाई मिट्टी में खेलने के स्वाद अलग है भाई बालका ने के माने भी अच्छा लगे मिट्टी में खेलना, वो भाई मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा रहा है, आधी बीमारी खत्म हो जाए हम कह मिट्टी में खेलने तय, तो मैं मम्मी ने कहा करूँ संडे संडे ने तुम सारे मिट्टी में खेल काया करो कुश्ती लड़काया करो मिट्टी में, क्या हो गया अभी वो एक मरी गई इसी औलाद है मरी तो पड़े गई एक तो आ जाओ अरे ना आप भी भागो आए अपनी बोतल ठाई खड़ा है
और भी देखो सबने अपना अपना बाजरा काट लिया है, बांडे खेत खाली हो गए हैं, यानी कि भी सबने काट लिया है, सबके खेत खाली हो चुके हैं। ये भी अपने इधर किस तरफ। तो जी मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी बना हूँ मैं सब्जी। सब्जी में क्या बना रही हूँ देखो, आपने दिखाऊ कढ़ी बना हूँ मैं, और इस दौरे बैठना आपने पता है बहुत जरूरी, नहीं है फटके भाग जाएगी और काम खराब हो जाएगा सारा। तो इसलिए भाई क्यों कई दिन हो गए थे भाई कढ़ी बनाए, तो चलो आज कढ़ी बना लिया। और बड़े बुढ़े भी भाई कढ़ी खा खाओ ना, कढ़ी कहूँ भाई सब्जी खा खा बोर हो ले हैं, इसकी दादी वा दिन बड़ी अलग है, तो कई दिन हो गए मतलब कढ़ी बना लूँगी। और भाई देखें भाई चावल बनाऊंगी, चावल बना लूँगी थोड़े इसके साथ, नहीं फिर रोटी तो है, चावल तो भी नहीं बनाऊँ, कल बनाए थे नमकीन चावल, आज नहीं बनाऊँ चावल, फिर रोज़ रोज़ ना बनाऊँ, मोटे हो जाएंगे खा खा के, नीट से पतले हुए हैं वे इतने मोटे हो जाएंगे है ना, तो नहीं बनाऊँ चावल तो। और भाई बताओ भाई कौन कौन खाया करा कढ़ी, किस किसने पसंद है। और भाई आज ने देखियो आपने कुछ डिफरेंट सा लग रहा होगा, मेरे माया लग गए है ना, देखियो आज ही भाई मैंने इयरिंग्स डाल रखे हैं। और देखो मैंने सूट क्यों चेंज कर लिया, देखो ये सूट भी मैंने भाई चेंज कर लिया, ग्रीन वाला डाल लिया, क्यों क्योंकि यार इन्हें ना दूध पी रखा था, वो मग्गे गिलास का ले रहा था, सारे मेरे दूध सूट पर मुद्दा मार दिया जहाँ, तो फिर मैंने सूट चेंज करना पड़ा। और भाई ज्वेलरी ये क्यों डाल ली आज मैंने, ये इसलिए डाल ली क्योंकि आज जितनी भी ज्वेलरी थी सारी पंछी को उठा के दे देंगे अपनी डोल के साथ खेलेगी, क्योंकि भाई बहुत पुरानी हो रही थी सारी, किसी के नक खराब हो रखे थे, कुछ के नक काले पड़ रहे थे, किसी के कान का नहीं है, किसी के टिक्का नहीं है, किसी का कुछ टूट रहा है, किसी का कुछ, जो जो मिले सारे दे दिए पंछी को, तो अभी कोई फंक्शन होगा तो भाई नहीं खरीद लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सारी बहुत पुरानी हो रखी थी, और काफ़ी बार पहन भी रखी थी मैंने, और वैसे डेली यूज में मैं डालती हूँ, तो भाई आज ये डाल रखी है, आज भी पंछी ने बोली मम्मा ये डाल लो अब, ये मैं पंछी को दे रही थी, लेकिन फिर पंछी बोली मम्मा ये तो सुंदर है आज, आज आप डाल लो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं भी डेली तो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि भाई वो अपने ही है बस गोल्ड के ही रहती है बस कानों में छोटे छोटे, और भाई गले में तो मैं कुछ भी नहीं डालती, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं डालती, बिल्कुल सुहाती नहीं है, बस अपना नॉर्मल सा ही रहती हूँ। और भाई तो इसलिए भाई मैंने डाल ली, चलो पंछी कह रही है तो चलो थोड़ी देर डाल लूँ। हो गया है जोत बत्ती का टाइम, थोड़ी देर भाई भगवान को याद कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, घर में भाई दीपक जगा लेते हैं, शाम का टाइम हो गया है, और भाई तो ठीक है जी थोड़ा ले लेते हैं प्रभु का नाम। दीगंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बेजनती माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल निकाला नंद के आनंद नंद लाल, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण कुमारी की, गगन संग अंग काति काली राधिका चमक रही आली, लदन में ठांडे बन माली ब्रह्म से अलग, कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक, ललित सवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण कुमारी की। तय जी पूजा पाठ हो गया है मेरा कंप्लीट, और भी देखो रात होगी बहुत ज़्यादा, लोग किसी अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, वो भी बच्चे गए गेल मैंने बताया वहाँ खेल रहे, आर्यन भी उठ गया वो भी उधर ही छोड़ आई मैं गली में, उसकी दादी बैठी है, अभी अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा, देखो लाइट जलन लग गई सबके तो भाई जो तो बत्ती का टाइम हो गया तो भाई लाइट तो चलनी है, अंधेरा हो गया बिल्कुल, लेकिन मौसम बढ़िया हो रहा है ठंडा हो रहा है। तो जी ठीक है आज कब लोग यहीं पर समाप्त करें हैं पूजा पाठ के साथ, और भी बताइयो भाई आपने भाई मेरी आवाज़ कैसी लगी, क्यों भाई मुझे ना आरती सारी आवा है, मैं सारी आरती कर ली हूँ, तो भाई मैं भी अब तो कुछ नहीं, पहले ना तो सारी आरती आती थी मुझे, अब तो थोड़ा बहुत मैं बीच में भूल भी जाती हूँ, तो मैंने अपनी बुक ला रख के उसमें से याद हो जाता है, वैसे मुझे सब सारी आती है भाई आरती, तो भाई ठीक बताना भाई आप भी कौन कौन आरती करते हैं, कौन कौन पूजा पाठ करते हैं घर में, सभी को करना चाहिए भाई पूजा पाठ बहुत अच्छा होता है। तो जी ठीक है यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग का दी एंड, फिर मिलेंगे आप तक एक नए व्लॉग्स में नई वीडियो में,
तभी तब तक के लिए भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।